अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी इस्लामिक का दूसरा लेक्चर है जिसका नाम है बंदों के हुकूक, और मैं आपकी इस्लामिक टीचर मिस साइमा जिब्रान। आपका जो उनवान है बंदों के हुकूक, वो सफ़ा नंबर 15 से 17 पर मौजूद है। प्यारे बच्चों, ये आपकी कोर्स की किताब, आपकी कोर्स की किताब के सफ़ा नंबर 15 पर आपका सबक मौजूद है बंदों के हुकूक। प्यारे बच्चों, आपके सबक का नाम बंदों के हुकूक। बंदों के हुकूक के बारे में मैं आपको बताने से पहले कुछ नुकात, आपको ज़रूरी नुकात बता दूं। प्यारे बच्चों, इस्लाम में, इस्लामी तालीमात में सबसे बुनियादी चीज़ ईमान और तौहीद की दावत है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे बुनियादी चीज़ है इस्लामी तालीमात में, और दूसरा हिस्सा जो है वो बंदों के हुकूक के मुतालिक है। बंदों के हुकूक में अल्लाह पाक ने सबसे अव्वलीन दर्जा जिसे दिया है वो है वालिदैन के हुकूक। अल्लाह पाक ने वालिदैन के हुकूक के बारे में सूरह बनी इसराइल में फरमाया, वबिल वालिदीन एहसाना, तर्जुमा, और वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। अल्लाह पाक ने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने पर बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। औलाद का फ़र्ज़ है कि हर जायज़ काम में वालिदैन की अतात करें, उन्हें इज्जत एहतराम की निगाह से देखें, उनसे मोहब्बत करें, अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आए, उनके लिए दुआएं खैर करें, और उनको कभी भी अपने वालिदैन के लिए दिल बुरा ना करें। अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत करें। एक बार हज़रत अबू हुरैरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे पूछा कि इंसान पर सबसे ज़्यादा किसका हक है। आप ने फरमाया, तुम्हारी माँ का। आपने दोबारा यही सवाल पूछा तो आप ने दोबारा भी यही जवाब दिया कि तुम्हारी माँ का। फिर आपने तीसरी बार भी जब ये सवाल पूछा तो आप ने तब भी यही जवाब दिया कि तुम्हारी माँ का। लेकिन जब आपने चौथी बार सवाल किया कि सबसे ज़्यादा किसका हक है, तो आपने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप का, यानी कि वालिदैन का हम पर बहुत ज़्यादा हक है। तीन दर्जात पर वालिदैन में से माँ का हक बताया, और चौथे दर्जे पर वालिद साहब का हक बताया। प्यारे बच्चों, हमें किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इंसान किसी इंसान के साथ ज़्यादती करता है तो वो तब तक उसे कोई माफ़ी नहीं मिलती अल्लाह की तरफ से, जब तक कि उसे वो इंसान माफ़ ना कर दे। अल्लाह ताला के हुकूक के लिए तो सिर्फ अल्लाह पाक खुद ही माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बंदों के हुकूक के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिस बंदे का तुमने दिल दुखाया, पहले उससे माफ़ी मांगो जिसके साथ तुमने ज़्यादती की। अगर बंदा माफ़ कर देता है तो रब्बुल इज़्ज़त भी माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला ने बंदों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा उनके हुकूक को अहमियत दी है। तो प्यारे बच्चों, वालिदैन के बाद हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं उन पर हमारे बहुत सारे जो है वो हुकूक होते हैं, कि जैसे रिश्तेदार हैं, पड़ोसी, गरीब, गुलाम, यतीम, मिस्कीन, मुफलिस, मजबूर, ज़दा लोग और इंसानी बरादरी के हुकूक, इन तमाम हुकूक का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई रिश्तेदार किसी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अगर पड़ोसी किसी मुसीबत के आलम में तो उसकी मदद करनी चाहिए। गरीब किसी गुरबत में है तो उसकी मदद करनी चाहिए। उसका हम पर हक है गुलामों की, यतीमों की। अगर कोई बेसहारा है, कोई मुफलिस है, कोई मिस्कीन है जिसके वालिदैन नहीं होते, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। कोई मजबूर या मुसीबत इंसान है, उन तमाम के भी हम पर बेशुमार हकूक हैं। अगर हम उन हकूक को पूरा नहीं करते तो अल्लाह पाक हमसे इस बात पर नाराज़ होंगे। इसलिए हम प्यारे बच्चों को हमें क्या चाहिए कि हम तमाम बंदों के साथ अच्छा सलूक करें और तमाम के हकूक को अच्छी तरह से अदा करें। इस्लाम में बंदों के हकूक को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो बंदों के हकूक अच्छी तरह से अदा करते हैं अल्लाह ताला उससे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आप सल्लम ने फरमाया कि आप सबने एक बार फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन फरमाएगा, ए आदम के बेटे, मैं बीमार हुआ तूने मेरी अयादत नहीं की। इंसान कहेगा, ए मेरे रब, मैं तेरी अयादत किस तरह करता जबकि तू रब्बिल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुझे मालूम नहीं कि मेरा फ़ला बंदा बीमार है, हुआ तो तूने उसकी अयादत नहीं की। क्या तुझे मालूम नहीं, अगर तू उसकी अयादत करता तो मुझे उसके पास पाता। फिर आप दोबारा अल्लाह पाक फरमाएंगे कि ए आदम के बेटे, मैंने तुझसे खाना मांगा तूने मुझे खाना नहीं दिया। इंसान कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे खाना देता जबकि तू रब्बिल आलमीन है। इसी तरह से अल्लाह पाक फिर दोबारा फरमाएंगे कि ए इब्ने आदम, मैंने तुझसे पानी मांगा तूने मुझे पानी नहीं दिया। तो इंसान कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझे कैसे पानी पिलाता जबकि तू रब्बिल आलमीन है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे फलां बंदे ने तुझसे पानी मांगा तो तूने उसे पानी ना पिलाया, क्या तुझे मालूम नहीं कि अगर तू उसे पानी ना पिलाता तो मुझे इसके पास पाता। आप सल्लम की ये हदीस सफ़ा नंबर 16 पर मौजूद है। आप पढ़ेंगे तो माशा ये बहुत अच्छी हदीस है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बंदों के हुकूक की बहुत ज़्यादा इस्लाम में अहमियत है। हमें बंदों के हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, दूसरों के साथ बहुत अच्छा सलूक करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी ज़बान से कभी भी कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, कोई ऐसी बात ना करें, या अपने हाथों से किसी को कोई तकलीफ ना दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला आपसे नाराज़ होंगे। तो आपको क्या चाहिए कि आप बंदों के हुकूक को बहुत अच्छे से अदा करेंगे, जिससे हमारी दुनिया भी ठीक हो जाए और हमारी आखिरत भी, और अल्लाह ताला हमसे बहुत ज़्यादा राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमसे खुश हो जाए। तो प्यारे बच्चे, इस सबक का काम जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको इसकी नोट्स पिक्चर्स की सूरत में भेजूँगी। अगली लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।